नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्यूरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं अभी आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट मल्टी बैगर स्टॉक, और उसका रिटर्न का नाम बताने से पहले मैं उसका रिटर्न का पोर्टफोलियो आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, 8 अप्रैल 2005 को इसकी प्राइस हुआ करती थी 21 रुपया 4 पैसा, ठीक है, 21 रुपया 4 पैसा 2005 में अप्रैल में प्राइस हुआ करती थी। हम इसकी ऑल टाइम हाई को नहीं देख रहे हैं, हम आज मतलब थर्सडे की प्राइस को देख रहे हैं जो कि 2300 रुपया के आसपास में आ रहा है। 2300 रुपया को अगर हम 21.4 से अगर हम डिवाइड कर दें तो आप जरा मुझे बताइए कि क्लियर कट कितना परसेंट रिटर्न मिला, या आपके पैसे को जिस भी मेरे दोस्त मेरे बुजुर्ग मेरे सीनियर लोगों ने अगर 2005 में इसके अगर 1000 रुपया भी लगा दिया रहता तो आज के डेट में ये पैसा बढ़ के कितना हुआ रहता, ठीक है। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक है इंडिया के मल्टी बैगर हिस्ट्री का, जिसके बाद आप नाम सब कुछ जानते होंगे। और अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए मैं आपको इसके प्रोडक्ट पे लेके चल रहा हूं, प्रोडक्ट देखकर शायद कंपनी का नाम आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये एडहेसिव बनाने वाली कंपनी फेविकॉल, याद आया फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सित, फेविक्विक, ये फेविस्टिक, एम सील, प्रोडक्ट देखकर आप कंपनी का नाम याद आ रहा होगा, नाम भी आप लोग आप तक पढ़ ही लिए होंगे। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक मल्टीबैगर हिस्ट्री का, पीडीलाइट इंडस्ट्री का बात कर रहा हूँ दोस्तों, पीडीलाइट इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। अब बताइए आप इसके प्रोडक्ट यूज करते हैं या नहीं करते हैं। मल्टी बैगर स्टोरी वही चुनिए जो जिसके प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, किसी भी तरीका से यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको इसका चार्ट प्रेजेंट करना चाह रहा हूं, ठीक है, चलिए मैं आपको इसके चार्ट पे लेके आया हूं। देखिए, मैं डेट टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हूं ईपी डिलाइट इंडस्ट्री का, और हमेशा की तरह प्राइस को स्टडी करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस लगा के रखा हुआ है। जो ग्रीन वाली जो है 200 डेज की ईएमए है, येलो वाली लाइन है जो 150 डेज की है, और रेड वाली जो है वो 100 डेज की है दोस्तों। प्राइस के स्टैंड को चेक करने के लिए आरएसआई भी लगा के रखा हुआ है, और आरएसआई एट प्रेजेंट 55 शो कर रहा है कि ना कोई कमजोरी है ना कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, एक टाइम पीरियड पे, इस पीरियड में लगभग कि सितंबर अक्टूबर 2022 के मंथ के पीरियड में इसने अपना हाई बनाया था जो कि 2900 के आसपास था, और वहां से इसके अंदर प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ, क्योंकि जो लोग प्रीवियस लिए होंगे, मान लीजिए यहाँ लिए होंगे तो प्रॉफिट अपना बुक करेंगे ही करेंगे। फिर उसके बाद से इसके अंदर बाउंस बैक आया, इसने 2800 के वापस टच किया, और उसके बाद से इसके अंदर कॉन्स्टेंटली गिरावट हुई। एक पीरियड में इसने अपना लो बनाया और ये लो 2250 के आसपास का है, लेकिन ये कंसोलिडेशन बॉक्स जो मैं घेर रहा हूँ वो बॉक्स देखिएगा आप लोग दोस्तों, ये कंसोलिडेशन का बॉक्स जो मैं घेर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और आपको चार्ट पर इनलार्ज करके दिखाऊं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा तरीका से देखिए। ये देखिए बॉक्स मैं जो दिखा रहा हूं आपको, ये कंसोलिडेशन का बॉक्स देखिए, आप देख रहे हैं, ये जनवरी महीना से ही, ठीक है, ये जनवरी महीना से ही, मिड ऑफ जनवरी से लेकर अभी तक इसका इसी प्राइस रेंज में स्टॉक ये फंसा हुआ है, और क्या जबरदस्त कंसोलिडेशन हुआ है। और एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि मूविंग एवरेजेस का कंसोलिडेशन यहां पर अब हो रहा है। देखिए 200 डेज और 150 डेज वाला मूविंग एवरेज आज के डेट में ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि आप देख सकते हैं 200 मूविंग डेज की प्राइस जो आ रही है 2444 आ रही है, और 150 डेज का आ रहा है 2441, यानी 3 रुपया का डिफरेंस है, और 100 डेज की मूविंग एवरेजेस जो है 2415 रुपया आ रहा है, यानी कि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये इंडिकेशन है दोस्तों कि अब प्राइस में इसके अंदर तूफान उठने वाला है, अब प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाने वाली है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस का कंसोलिडेशन हो रहा है, और मूविंग एवरेजेस एक जगह पर जमा हो रही है, और प्राइस भी पिछले 3 महीना से कंसोलिडेट हो रहा है। एक बार इस रेंज को निकाला फिर इसके अंदर आग लगना ही लगना है दोस्तों, ठीक है। एक तो ये आपका ऑब्जर्वेशन है, दो ऑब्जर्वेशन हो गया, तीसरी ऑब्जर्वेशन है कि दोस्तों हम जब भी लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हम क्वालिटी वाली स्टॉक अपना सेलेक्ट करते हैं, और फिर उसके डिस्काउंट प्राइस का भी हम वेट करते हैं कि जिन लोगों की बस यहां पर छूट गई थी, यहां पर इन्वेस्ट करना छोड़ दिए थे, यहां पर भूल गए थे, अब वो इस प्राइस पर जाकर तो खरीदारी करना बेवकूफी वाली बात होगी क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे, तो हम डिस्काउंटेड प्राइस का वेट करते हैं, ठीक है दोस्तों, हम डिस्काउंटेड प्राइस का वेट करते हैं। 2900 से और 2350 के बीच में क्लियर कट 550 रुपया का डिस्काउंट प्राइस है। आप मार्केट में जाते हो, कोई सामान का मोल भाव करते हो,
कि आपको कितना परसेंट डिस्काउंट पर मिल रहा है। ठीक उसी तरह से ये क्वालिटी स्टॉक, ये मल्टी बैगर स्टॉक, ये कंज्यूमर बेस्ड स्टॉक जो है अभी एट प्रेजेंट आपको 550 रुपया के डिस्काउंट प्राइस पर अवेलेबल है। ये आपका एक ऑब्जर्वेशन है और आने वाले मार्केट का तो तरीका है कि मार्केट ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है तो यहाँ पर बाई करना रहता है ना कि यहाँ पर बाई करना रहता है। जो आदमी वही प्रॉफिट ज्यादा कमाता है जो यहाँ पर बाई करता है, यहाँ पर बाई करता है ऑल टाइम हाई पर अगर बाई करेंगे तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, लेकिन उस प्रॉफिट के लिए फिर आपको 3-4 साल वेट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है तो समझदारी यही है कि जब डिस्काउंटेड प्राइस पर जब आपने स्टॉक सिलेक्शन कर लिया, डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है और फाइनेस्ट स्टॉक में मिल रहा है, तो उस स्टॉक में आप अपना पोजिशन बनाइए, आप अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाइए। मान लीजिए यहाँ पर आपने 100 क्वांटिटी लिया था, ठीक है वही सेम स्टॉक यहां पर मिल रहा है इस प्राइस पे, तो 50 क्वांटिटी और इसमें ऐड कीजिए, या अगर नया स्टॉक पोर्टफोलियो बना रहा है तो पीडी लाइट को यहां पर इस पर जगह दीजिए, 10 क्वांटिटी ऐड कीजिए। ठीक है 10 क्वांटिटी ऐड करके देखिए, या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए चाहते हैं, उनके कॉलेज के पढ़ाई वगैरह के लिए चाहते हैं, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक है पीडी लाइट पर, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जिसके रिटर्न का पोर्टफोलियो चेक कर लीजिए, कंज्यूमर बेस्ट का चेक कर लीजिए दोस्तों, और फिर इसमें इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी सर्च कीजिए, जो भी आपके अमाउंट जितना भी आपका रिस्क कैपेसिटी है उसके हिसाब से। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।